हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th का बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स बताने आया हूँ। प्रश्नावली है 1.1.3, पेज नंबर है 16। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चार पूर्णांक 1/8, चौथा है 3/1, पचमा है 2/11, छठा है 329/400। चार पूर्णांक 1/8 ये क्वेश्चन है। हम पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो 4 × 8 हो गया 32, 32 + 1 33, 33/8 हो गया। अब 8 से 33 में हम भाग देंगे। देखिए, भाग दीजिए, 8 से 32 चार बार में हुआ 32, यहाँ आया 1। अब अंक नहीं है तो देंगे दशमलव, दशमलव बदला में आएगा क्या, जीरो, आएगा 1 0। अब देखिए, 8 से 8 एक बार में खिलाए, बच गया 2, फिर अपने मन से आएगा 1 0। जब दशमलव बैठ जाता है तो अपने मन से एक बार में 1 0 आता है, तो 20 हुआ, 8 × 8 = 16, बच गया यहाँ 4, फिर अपने मन से आया 1 0, 8 × 2 = 40। यह हमारा पूरा तरह से कट गया, यानी 33/8 बराबर हो गया हमारा 4.125। यह चूंकि पूरा पूरा कट गया, दशमलव में भी आया लेकिन पूरा पूरा कट गया। जो पूरा पूरा कट जाता है उसको कहा जाता है शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। लिखेंगे, यह शांत दशमलव है। यह कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। और हमारा आंसर हो गया 4.125। यही हमारा आंसर हो गया। इसमें पहले भी बता चुके हैं कि शांत दशमलव उसको कहते हैं यदि पूरा पूरा भाग लग जाता है दशमलव में, तो वह शांत दशमलव है। पूरा पूरा भाग लग जाता है दशमलव में तो वो क्या कहेंगे, शांत दशमलव है। दूसरा नियम है, यदि भाग देने पर बार बार भागफल के अंक का पुनरावृत्ति होता है, यानी बार बार अंक रिपीट होता है, तो उसको कहा जाता है अनवसानी पुनरावर्ती। उसको कहते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। जैसे हो गया आपको 1/3 से जब आप भाग देंगे तो 0.333 आते रहेगा डॉट डॉट डॉट, इसका अर्थ हुआ बराबर 0.3 पर रैकरिंग। जिस अंक का बार बार रिपीट होता है उस पर रैकरिंग बोलते हैं, तो 0.3 पर रैकरिंग लगा दिए। अनवसानी पुनरावर्ती को कहते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पूरा पूरा भाग लग जाता है दशमलव में तो उसको कहा जाता है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इस तरह से यह भाग दिया जाता है और इसका मान निकाला जाता है। इसी प्रकार से इसी में एक क्वेश्चन और है। जैसे क्वेश्चन नंबर अब देखिए 5 में है 2y11। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 नंबर में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3/11 है, 3/11 है। तो देखिए 3/4, देखिए 4 नंबर में हमारा क्वेश्चन हो गया 3/11। क्या करेंगे हम, 11 से पहले भाग देंगे 3 में, किससे भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 3 में। देखिए 11 से भाग नहीं लगेगा तो देंगे 0 पॉइंट या 0 दशमलव। तो दशमलव बदलाव आया 1 0, 11 से हो गया 11 × 22, यहाँ बच गया 8, फिर अपने मन से आया 1 0, 11 हो गया 77, कट गया 3, फिर अपने मन से आया 1 0, तो दीजिए 11 × 22, फिर आ गया 8। देखिए भाग दे रहे हैं, सेसफल 8 है, सेसफल 8 होते जा रहा है, 8 होते जा रहा है, यानी 2 7, यहाँ देखिए यहाँ हो गया 11 × 22, फिर 0 देंगे 11 से, 11 से 77, यानी यह चलते रहेगा, 3 से शुरू था फिर शेष पर 3 आ गया, डॉट 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 होते जाएगा, यह कटने वाला पूरा नहीं है, यानी इसको कहेंगे 0.27 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.27 पर रैकरिंग, 2.7 पर रैकरिंग, इसलिए कि 2.7 बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, इसका आंसर हमारा हुआ 0.27 पर रैकरिंग। मगर इसको इसको कौन सा दशमलव कहेंगे, इसको आप कहेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, या दूसरा नाम हो गया अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति। यह लिखेंगे, यह कौन सा दशमलव है, यह हो गया
अनवशानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे पुनरावृत्ति। यह अनवशानी पुनरावृत्ति है। इस तरह से भाग देंगे और इसका मान आप निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा चार पूर्णांक एक बटे आठ, दूसरा चौथा नंबर है 3/11 का मान निकला। इस तरह से ऊपर में हर से अंश में भाग देना है दशमलव में। यदि पूरा कट गया तो वो हो गया 7 दशमलव, यदि पूरा नहीं कट रहा है, बार बार अंक रिपीट हो रहा है, भाग दे रहे, तो ऐसे चीज को हम कहेंगे अनवशानी पुनरावृत्ति। तो फिर से आप इसको आप देख सकते हैं कैसे बनाए हैं। 3/11 एक बार और रिवाइज करता हूँ। 3/11 है, 3 में हमको किससे भाग देना है, 11 से। फिर से इस भाग को आप समझिए। भाग देने के लिए क्या प्रोसेस बताया कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है बताइए। सबसे पहले हमको भाग देना है, भाग देना है किससे, 3 में 11 से भाग देना है। दीजिए भाग, देखिए 11 से 3 में भाग दीजिए, भाग नहीं लगेगा, अंक नहीं है, यहाँ लगेगा पहले 0.0, उसको बुलाए 0, 11 × 22 बच गया 8, फिर अपने मन से आए 0, 11 से 77 हो गया, बच गया 3, फिर अपने अंक नहीं रहने पर दशमलव जब पड़ जाता है तो 10 बार बार आते जाएगा, फिर यहाँ आया 0, 11 से 77 हुआ है, तो फिर दीजिए 11 × 22, फिर यहाँ आया 8, फिर अपने मन से 0, 11 से 77 .. ऐसे ही यह चलते ही रहेगा, मगर पूरा यह नहीं कटेगा। शुरू का अंक था 3, भाग देते देते फिर 3 ही आया, इसलिए यह क्या हो गया, यह हो गया अनवशानी पुनरावृत्ति। इसको कहेंगे अनवशानी पुनरावृत्ति। तो इसका मान क्या हो गया आपको, 0.27 .. यानी 0.27 जो अंक बार बार आता है उसी पर रेकरिंग लगता है, यानी 2-7 बार बार आ रहा है, इसलिए रेकरिंग कहाँ लगेगा, 2-7 पर रेकरिंग लगेगा। यह अनवशानी पुनरावृत्ति है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार बनाना है। आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको भाग दे के आप देख सकते हैं, जैसे दे रहा हूं आप इसको भाग देंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। इसी को कहते दशमलव प्रसार का अर्थ हुआ कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, अशांत को ही कहते हैं कि अनवशानी पुनरावृत्ति है। तो जैसे आप इसको भाग दे के आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे 5/8, 3/7, ठीक है, और लीजिए आप यहाँ है 3, यहाँ है 5/3 है, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया हमको 5/9, इस तरह का भाग देना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो आप समझ गए दशमलव प्रसार क्या है, भाग लग गया पूरा कट गया दशमलव में तो 7 दशमलव आंसर हुआ, यदि पूरा भाग नहीं लग रहा है, बार बार अंक का रिपीट हो रहा है, उसको कहेंगे अशांत दशमलव। दूसरा नाम हो गया अनवशानी पुनरावृत्ति, अनवशानी पुनरावृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से यह भाग दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें और साथ ही साथ इसको इस चैनल हमारे यूट्यूब चैनल AJ पंकज मैथ ग्रुप, चैनल का नाम है AJ पंकज मैथ ग्रुप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, जिससे मैथ इजी से आसानी से विद्यार्थी या आपका क्लासमेट आप सभी अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मन लगाकर पढ़ाई करें, बार बार अभ्यास करें तो आपके लिए मैथ बहुत ईजी होगा, टेंशन मुक्त होकर पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।